दोस्तों, एक जज ने दुबई के सबसे अमीर शेख की एक्स वाइफ से पूछा कि उसे दुबई के शाही महल में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती थी। तभी उस शेख की बीवी के जवाब को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी अय्याशी के लिए पूरे शहर को ही एक ऐशो आराम का अड्डा बना दिया, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ कितनी अय्याशी से भरी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई के सबसे अमीर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तोम की, और ये पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट है, और इसके साथ साथ ये दुबई के बादशाह भी है। एक न्यूज के मुताबिक दुबई के रूलर $4 बिलियन के ये मालिक है, लेकिन ये सिर्फ एक ऑफिशियल राशि है। लेकिन कई गुप्त एजेंसियों के मुताबिक पूरी दुनिया में इनकी इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर देखा जाए तो ये $14 मिलियन के मालिक है, जो कि हमारे इंडिया की करेंसी के हिसाब से 1100 अरब बनता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी के पास इतनी दौलत होगी तो उसके शौक भी उसके लेवल के ही होंगे। इसलिए शेख मोहम्मद की जब कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां मौजूद है, जिनमें से रोल्स रॉयल्स फैंटम, रोल्स रॉयल्स घोस्ट, बुगाटी पेगासो, डेविल 16 शामिल है। लेकिन अक्सर इन्हें बहुत बार मर्सिडीज C63 कार में ही देखा जाता है, और इस बात से पता चलता है कि ये इनकी फेवरेट एक्सयूवी कार है। शेख मोहम्मद की हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 होता है, जो कि दुबई का VIP नंबर है, और इस नंबर को दुबई के रूलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता, और इस नंबर की कीमत इनकी सबसे महंगी गाड़ी से भी ज्यादा है। अगर शेख मोहम्मद के घर की बात की जाए तो ये दुबई में ही जबील पैलेस में रहते हैं, और उनका घर 150 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ पर कई छोटे छोटे महल बनाए गए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, 6 शादियां करने वाले शेख मोहम्मद ने अपनी फैमिली के रहने के लिए महल नहीं बनवाए हैं, बल्कि इसके अलावा 2 प्राइवेट आइलैंड बीच मोहम्मद के पास मौजूद है, और इन आइलैंड पर 17 छोटे बीच विलास और 2 से 3 शानदार पैलेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन बने हुए हैं, और इन दोनों बीच पर इनके पास प्राइवेट यार्ड भी मौजूद है। इनके पास एक सुपर यार्ड भी है, और इसी यार्ड को दुबई यार्ड का नाम दिया गया है। 3,120 रुपए में तैयार की गई ये यार्ड दुनिया की सबसे लग्जरी यार्ड है। इस यार्ड में 50 लग्जरी कमरे, एक डिस्को ग्राउंड, एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इसके अलावा इस यार्ड में एक सबमरीन भी मौजूद है, जिसकी मदद से समुद्र के अंदर की दुनिया को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, शेख मोहम्मद की दौलत सिर्फ दुबई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इनका एक बहुत बड़ा अंपायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है, और इनके पास ब्रिटेन में 1,00,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। लेकिन अभी भी कोई भी बता नहीं पाया है कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी मौजूद है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी के नाम पर भी अलग अलग देशों में प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। इंग्लैंड में शेख मोहम्मद के पास एक और प्रॉपर्टी है, जहां पर सिर्फ इनके नस्ली घोड़ों को रखा जाता है, और मोहम्मद शेख को नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहां कहीं भी नस्ली घोड़े की नीलामी होती है, और ये वहां पर मुंह मांगी रकम देकर उसको खरीद लेते हैं। एयरलाइन एमिरेट से लेकर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन कंपनी, सभी बिजनेस का फायदा घूम फिर कर इन्हीं के पास पहुंचता है। अपनी एयरलाइन होने के बावजूद भी इनके पास 2 प्राइवेट बोइंग 747 फुली कस्टमर्स प्लेन मौजूद है, और एक प्लेन की कीमत 3,300 करोड़ है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने इस रकम से भी ज्यादा पैसे तो अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स के समय दिए थे, और दोस्तों इनके शाही खर्च के चर्चे तो पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन जब शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के कोर्ट में डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख मोहम्मद से £1 बिलियन का दावा ठोक दिया था, और 2 साल केस चलने के बाद जज ने फैसला शेख मोहम्मद की एक्स वाइफ के हक में करते हुए शेख मोहम्मद को 5,300 करोड़ रुपए देने का फैसला सुनाया था। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को यह भी बताया कि जब वो दुबई में रहती थी तो उनके पास अनलिमिटेड पैसा खर्च करने की अनुमति होती थी, मतलब कि वो जो भी चाहे वो खरीद सकती थी, और दुबई में उनके पास 15 से 20 लग्जरी मेंशन, एक सुपर याज और एक प्राइवेट जेट मौजूद होते थे, और इसके साथ प्रिंसेस हया को पैलेस का खर्च चलाने के लिए $100 मिलियन से भी ज्यादा हर साल दिए जाते थे, और इसके अलावा $11 मिलियन उनको सिर्फ शॉपिंग करने के लिए दिए जाते थे। मतलब कि दोस्तों, सिर्फ एक बीवी के लिए 85 करोड़ दिए जाते थे, तो इससे आप उनकी बाकी बीवियों का खर्च का अंदाजा भी लगा सकते हैं। दोस्तों, आपकी इनके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।